राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा दोनों की बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस में गुटबाजी अपने चरम पर है। जहां कांग्रेस में सचिन पायलट अभी खामोश है, तो मंत्री अशोक चंदना और कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने अपनी ही सरकार को घेरने का मोर्चा खोल रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, में सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। बीजेपी में भी अंतर्कलह खुलकर सामने आने लगी है। इसी के चलते बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल को उनके बड़े बोल वाले बयानों के लिए पार्टी ने निलंबित कर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन इस पर मेघवाल ने एक बार फिर से बीजेपी पार्टी और उसमें मौजूद पदाधिकारियों पर कई बड़े आरोप जड़ दिए हैं। यही नहीं, मेघवाल ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को पुराना कांग्रेसी बता दिया है। बता दें, अपने एक बयान से मेघवाल ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को भी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी की खुली पोल, पार्टी ने सबसे वरिष्ठ नेता को दिखाया बाहर का रास्ता। निलंबित विधायक कैलाश मेघवाल के विस्फोटक आरोप, बोले वसुंधरा गुट को चुन चुन कर कर रहे बाहर। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ को बताया पार्टी से बाहर का आदमी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने वाले भाजपा के वरिष्ठतम नेताओं में से एक विधायक कैलाश मेघवाल को आखिरकार उनकी ही पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीजेपी ने मेघवाल को प्राथमिकता सदस्यता से निलंबित कर दिया है। पार्टी के अनुशासन समिति के संयोजक ओकार सिंह लेखावत ने मेघवाल के निलंबन की पुष्टि की। इधर कैलाश मेघवाल ने भी आज जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी और एक बार फिर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कई बड़े नेताओं पर बड़े आरोप लगाए। आगे लग रहे हैं, मुझे एक बात का अफसोस है, मेरी पार्टी के लोग इसको महिमा मंडित करने के लिए अर्जुन राम मेघवाल की तुलना डॉक्टर अम्बेडकर से करें। फैसला हो जाने के बाद निश्चित होगा राजनीति में सक्रिय रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं, और राजनीति में लगातार मेरा एक इंटरेस्ट है विधायक कैलाश मेघवाल ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी को लेकर खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुटों में बटी हुई है, नेता झूठ बोलते हैं कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक पार्टी गुटों में बटी हुई है। ऐसे में अब चुन चुन कर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। एक सर उन्होंने कहा कि मैं वसुंधरा खेमे में रहना चाहूंगा, जबकि दूसरा गुट एंटी वसुंधरा का है। बार बार कहते हैं गुट नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक गुटों में बटी हुई है और वसुंधरा जी के समर्थकों को चुन चुन कर बाहर किया गया, उनका महत्व कम किया गया और ऊपर से लेकर नीचे तक। आप किस ग्रुप में हैं सर? आप किस ग्रुप में? मैं वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के यही नहीं, विधायक मेघवाल ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नाम लेकर गुटबाजी को हवा देने के आरोप लगाए। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जैसे दिग्गजों को बीजेपी विरोधी और पुराना कांग्रेसी कहकर भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुटबाजी को लेकर विस्तार से अपनी बात आलाकमान और प्रधानमंत्री तक पहुँचा दी है। किसी को जो है नाम जिताने के लिए पार्टी को जो है खड्डे में डाला गया है। और क्योंकि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसमें सारे देश के सब मंत्री प्रधानमंत्री से लगाकर सारे बड़े मंत्री और नड्डा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे लगा करके और सारे उनके पदाधिकारी राजस्थान की मरुधर में
इसको पॉइंट तो कर रहे हैं, ये सामने दिख रहा है आपका, राजस्थान में कोई नेतृत्व है क्या? आपको बता दें कि कैलाश मेघवाल पूर्व राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजस्थान सरकार में अनेक बार मंत्री पद की भूमिका भी निभा चुके हैं। ऐसे में मेघवाल का अपनी ही पार्टी के विरोध में बोलना विधानसभा चुनावों पर विपक्ष के हाथ में एक और हथियार थमाने वाला हो सकता है। वही मेघवाल के इस बयान से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष का कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पक्ष में बोलना खुद वसुंधरा राजे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। शुक्रिया।